एक्सबॉक्स के लिए जो सेट जेल ब्रेक नहीं हो पाते हैं एक्सबॉक्स वगैरह, उन्हीं के लिए सीरीज वगैरह रहती है। ओरिजिनल कंट्रोलर पड़े हैं PS4 वगैरह के, कॉपी में कंट्रोलर वगैरह पड़े हैं। कोई भी गेम डलवानी हो हम सभी गेमें डालते हैं, जितने भी PS4 PS3 जेल ब्रेक है सब गेम डलती है, आप कभी भी आ सकते हैं गेम डलवा सकते हैं। देख सकते हो रेट जो है ना ऑलरेडी डिस्प्ले कर रखा है कि ना इससे एक रुपए कम ना एक रुपए ज्यादा। व्हाई डिड आई मूव हियर, आई गेस इट वाज द वेदर। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। यार सर के चैनल पे काफी दिनों से ना एक डिमांड आ रही थी कि गेमिंग कंसोल्स जो होते हैं ना, गेमिंग पार्लर्स होते हैं, उनकी वीडियो बनाओ, गेमिंग कैसे आप कहाँ पे जाके कर सकते हो चंडीगढ़ के अंदर। तो हम आ चुके हैं सेक्टर 20 की मार्केट में और यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ शॉप्स जो यहाँ पे हैं गेमिंग वाली। क्यों सर? काफी सारी शॉप्स है ना, तो जितनी हम कवर कर पाएंगे, वैसे हम एक दो ही कवर करने वाले हैं, ज्यादा नहीं, जो हमें अच्छी लगेंगी सबसे हम वो कवर कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि आपको क्या क्या वहाँ पे एक्सेसरीज वगैरह, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, रिपेयर सब कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। फुल फ्लैश वीडियो होने वाली है तो बने रहो वीडियो में। तो ये है आजाद मार्केट, हम पीछे से जा रहे हैं अंदर, बट फ्रंट से कैसा दिखता है आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये पता नहीं भाई क्या भाग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहली शॉप मैं लेके आ चुका हूँ आपको, देखो गेम हाउस 318, ठीक है। यहाँ पे काफी पुरानी शॉप है, अराउंड 20 साल इनको एक्सपीरियंस हो चुका है इसी लाइन में, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इनका रिपेयर का भी काफी है, ठीक है। और गेमिंग का जितना भी सामान होता है इनके पास मिल ही जाता है सारा का सारा। मिलवाता हूँ आपको सर से और ये बताएंगे आपको कि इनके पास क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल है और क्या क्या आप यहाँ से खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो, ठीक है, अपने रिपेयर करवा सकते हो, एक्सबॉक्स वगैरह जो भी आपका है वो सब यहाँ पे हो जाएगा। हेलो, मेरा नाम शमिंदर पाल सिंह है, यहाँ पे मेरा गेम हाउस है सेक्टर 20D आजाद मार्केट में। ये बिल्कुल 20 और 21 की लाइट पॉइंट पे पड़ता है, 318 नंबर वाली शॉप है हमारी। अभी रिसेंटली हम यहाँ पे राउंड अबाउट 12-13 साल से यहाँ पे, उससे पहले हम 41 में हुआ करते थे। गेम हाउस का हमारा रिपेयरिंग का और यूज कंसोल वगैरह का सेल का काम रहता है, परचेज और सेल दोनों का ही काम रहता है। और रिपेयरिंग के में तो कुछ ही किसी भी तरह की रिपेयरिंग भी करते हैं। बाकी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए कंसोल आते रहते हैं, जैसे हम एक्सबॉक्स वगैरह PS4 वगैरह रिपेयर वगैरह और सर्विस वगैरह का काम करते हैं। मोस्टली रिपेयर जो हमें आजकल आ रही है कंट्रोलर्स की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे PS4 का या 5 के कंट्रोलर में ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, या Xbox One के कंट्रोलर में, और उसके लिए कंट्रोलर्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ये कॉपी में कंट्रोलर्स वगैरह पड़े हुए हैं हमारे साथ, सारा हमारे पास पड़ा हुआ है, ओरिजिनल कंट्रोलर्स पड़े हैं PS4 वगैरह के, एक्सेसरी वगैरह में सीडीज पड़ी होती है PS3 वगैरह के लिए, एक्सबॉक्स के लिए जो सेट जेल ब्रेक नहीं हो पाते हैं एक्सबॉक्स वगैरह, उन्हीं के लिए सीरीज वगैरह रहती हैं। कुछ एक टाइटल्स पड़े हैं PS4 का डेटा भी जैसे मिलते रहते हैं, कुछ एक टाइटल्स PS4 की सीरीज के भी रहते हैं। जैसे कंसोल हमारे पास बेचने के लिए मतलब लाइक रेट्रो कंसोल से लेके जैसे 8-bit वाली गेम्स होगी, 8-bit 16-bit वाले जो कंसोल आएंगे रेट्रो कंसोल वो भी अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में PS2 वगैरह अवेलेबल है, उसके बाद में PS3 हो गया, PS4 हो गया, Xbox 360 वगैरह हो गया, इस तरह से कंसोल हमारे पास यूज़ में अवेलेबल रहते हैं, मिंट कंडीशन में रहते हैं जो। बाकी ये कुछ तो हमारे पास रहते हैं, बाकी अगर किसी को कोई डिमांड है गेमिंग के रिलेटेड किसी एक्सेसरी वगैरह की तो हम अवेलेबल करवा देते हैं। लाइक किसी को 4 की या 5 की DVDs वगैरह चाहिए तो वो हम ऑन डिमांड मंगवा देते हैं, और बाकी तो ऑलमोस्ट हमारे पास पड़ा ही होता है। मतलब लाइक 4 और 5 का थोड़ा सा इशू रहता है DVDs वगैरह का, वो हम ऑन डिमांड मंगाते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा प्राइस अप डाउन चलता रहता है उस वजह से जो। और रिपेयरिंग में ऐसा रहता है कि अगर कोई भी ऐसा इन केस है कि रिपेयर हम कर ही देते हैं, अगर कई बार कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि रिपेयर नहीं भी होता सिस्टम किसी के पास, तो हमारे पास एक बार लेके आओ एटलीस्ट कि हम उसको ट्राई कर पाएँ उसके ऊपर। हाँ, कुछ ही केसेस में होता है कि नहीं रिपेयर हो पाती है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि हम रिपेयर कर ही लेते हैं इन सेटों को। तो ये भाई दूसरी शॉप, ठीक है, सैंडी प्लेस्टेशन 4, और यहाँ पे आपको मतलब देख सकते हो यहाँ पे गेमिंग भी कर रहे हैं बच्चे, है ना, काफ़ी लोग यहाँ पे गेमिंग वगैरह भी करते हैं। और भैया ने बताया कि काफ़ी पुरानी इनकी शॉप है यहाँ पे भी, ठीक है, और प्ले स्टेशन में डील कर रहे हैं, बाकी सारी बातें आपको ये बताएंगे। सर, जो ये शॉप है लास्ट 23 ईयर से वर्किंग में है, और जो यहाँ पर कस्टमर आते हैं हम उनको एकदम बेस्ट क्वालिटी देते हैं। हमारा मेन मोटो होता है जो भी चीज़ दें बेस्ट दें, और हमारा मेन जितने भी क्लाइंट्स होते हैं कस्टमर होते हैं हम उनको ढंग से अटेंड करते हैं ताकि हमारा बिजनेस और आगे बढ़े, और इसीलिए मैंने उनके लिए बहुत टॉप की शॉप बनाई है। ये मेरे टॉप के कस्टमर्स आए हुए हैं, जब भी कस्टमर ने गेम खेलनी होती है तो बार बार हमें प्राइस बताना नहीं पड़ता, इसलिए हमने क्या करा है कस्टमर की फैसिलिटी के लिए हमने प्राइस ध्यान लिखे होते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है अपना प्राइस देख सकता है, सबसे जेन्युइन प्राइस हमने रखे हुए हैं। जैसे PlayStation 2 का 30 रुपीज में है और 50 रुपीज में, इसी प्रकार PS3 PS4 सबके रेट हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। यहाँ तक कि जितनी गेम्स हम बेचते हैं अवेलेबल है मेरे पास, सबके रेट मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, और जो ये रेट है आप कहीं भी कंफर्म कर सकते हैं, सबसे जनरल रेट मेरे ही होते हैं। बाकी
जो भी आपको कंसोल चाहिए, रिमोट चाहिए, PS2, PS3, PS4, कंप्यूटर, ऑल एक्सेसरी अवेलेबल इन माई शॉप। और आपने कभी भी आना हो मेरी शॉप पे, आपका वेलकम है। आप आइए, आप विजिट कीजिए, देखिए क्या क्या सामान है। अगर किसी व्यक्ति ने PS2 में, PS3 में, PS4 में, एक्सबॉक्स में, कंप्यूटर में कोई भी गेम डलवानी हो, हम सभी गेमें डालते हैं। जितने भी PS4, PS3, जेलब्रेक है, सब गेम डलती है। आप कभी भी आ सकते हैं, गेम डलवा सकते हैं। और हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली सारी गेम्स अवेलेबल होती हैं। और जो भी व्यक्ति हमारे शॉप पे इस वीडियो को देख के आएगा, और मैं उसको डेफिनेटली इतना कम रेट में दूंगा कि वो कहीं भी नहीं मिल सकता, और उसको मैं कंसेशन दूंगा बहुत अच्छा, ताकि वो हमारी शॉप भी आ सके, और इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और इसको जितने ज़्यादा हो सके आगे से आगे भेजें, ताकि हम लोग अपना बिजनेस को बढ़ा सकें और आप लोगों को फैसिलिटी जैसा दे सकें गेमिंग में। आप लोग आए मेरी शॉप पर, मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ, जो कि मैं दे सकता हूँ एकदम जेन्युइन रेट में। सैंडी प्लेस्टेशन 4 के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सर ने सारी जानकारी आपको दे ही दी है। उसके बाद मैं कुछ अच्छी चीज़ें मुझे लगी वो आपको मैं आपके यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। देख सकते हो रेट जो है ना ऑलरेडी डिस्प्ले कर रखा है कि ना इससे 1 रुपये कम ना 1 रुपये ज्यादा। हाँ कम हो सकता है, कम हो सकता है ना सर, नहीं कम भी हो सकता है, कई बार क्या कि मार्केट वैल्यू जैसे कभी कभी बढ़ भी जाता है 100-200-500 इससे, यही मतलब जेन्युइन, मतलब आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही कंसोल का प्राइस लिखा हुआ है भाई, और यहाँ पे भी मतलब हर एक चीज का रेट लिखा हुआ, और स्टॉक में जो चीजें वो भी आपने मेंशन कर रखी है ना, तो ये बढ़िया लगा यार मुझे शॉप पे। और काफी साफ सुथरी शॉप है, अगर किसी को प्ले स्टेशन का शौकीन है, कोई खेलना चाहता है तो भाई आए, ठीक है। और अब तो पेपर वगैरह भी खत्म हो चुके हैं बच्चों तुम्हारे, ठीक है, तो अब तो तुम्हें कहीं ना कहीं टाइम पास तो करना ही है, क्योंकि अब गर्मी तो बहुत ज्यादा बाहर हो चुकी है, तो भाई एसी भी लगा हुआ है, देख सकते हो ना, ठीक है ना, हाँ फुली एसी है, तो यहाँ पे आओ प्ले स्टेशन खेलो, मजे करो। सर आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। हमने 2 शॉप्स कवर की है, एक हमने कवर की है 318, और एक हमने कवर की है 4। फर्स्ट वाले का नाम था और दूसरे वाले का नाम था सैंडी, जो कि मेरे नाम जैसा ही है कुछ कुछ, पर पूरा ही है यार, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, इनके, और शॉप का नंबर वगैरह, नाम वगैरह आपने वीडियो में देख ही लिया, ठीक है। अगर इन केस फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।